तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारा अभी तक कुछ नॉलेज मिला नहीं है, या फिर उसके बारे में अभी शोध कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी और फ्यूचर लाइफ, वर्तमान में तो आप हैं ही, और उससे पहले का मतलब आपका पिछला जीवन और आपका इस जन्म के बाद आगे मृत्यु के बाद जो आपका फ्यूचर लाइफ आने वाला है वो आपका कैसा रहेगा, तो इसके बारे में कुछ मत यहाँ दिए गए हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में और उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट लाइफ की, यानी पिछले जन्म की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट लाइफ की, तो कुछ ऐसे योग बताए गए हैं उनके अनुसार, वैसे कोई इतना क्लियर नहीं है, बट उनके अनुसार माना जाए तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था। तो यहाँ पर धनु लग्न की एक कुंडली आपके सामने है, और सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिषियों ने यह कहा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चार या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों, तो उस व्यक्ति का पिछला जन्म उत्तम था। यानी चार, कोई भी चार ग्रह, या तो वे उच्च के हों या फिर अपनी खुद की राशि में स्थित हों, तो व्यक्ति का पिछला जन्म है उत्तम माना गया है। दूसरा मत यह है कि लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में योग्य वणिक था, ऐसा माना गया है। तीसरे, एक जो तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है मत, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माना गया है कि लग्न में स्थित गुरु या लग्न पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था, और यदि जन्म कुंडली में कहीं भी गुरु उच्च का होकर लग्न को देख रहा है तो भी यह माना गया कि जातक पिछले जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी, विवेकशील, साधु या तपस्वी रहा होगा। उसके बाद चौथा जो मत दिया गया है उसमें ये माना गया है कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य 6, 8, 12वें यानी तीनों भावों में से किसी भी भाव में हो या तुला राशि का हो, तो व्यक्ति पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था, ऐसा माना गया है। उसके बाद अगला मत है लग्न या सप्तम भाव में यदि शुक्र हो, यानी शुक्र शुक्र यहाँ हो, लग्न या सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला माना गया है। उसके बाद अगला जो मत दिया गया है इस बारे में, लग्न और आपका 11वां भाव और आपका सप्तम भाव या चौथा भाव, यानी लग्न फिर 11वां, 7वां और चौथा भाव, उसमें शनि हो, तो इस बात की सूचना मिलती है कि जातक पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था और पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहा होगा। उसके बाद सातवां जो मत दिया गया है, यदि लग्न या सप्तम भाव में राहु हो, यानी लग्न या सप्तम भाव में राहु हो, तो पिछले जन्म में व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई मानी जाती है, यानी कहीं ना कहीं चोट लगने से या कोई और दुर्घटना से व्यक्ति की मौत हुई होगी यदि लग्न और सप्तम भाव में राहु हो तब। उसके बाद अगला मत जो दिया गया है उसमें किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चार या इससे अधिक ग्रह नीच के हों, नीच राशि के हों, या फिर मतलब किसी भी तरह से कमज़ोर हों, तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में निश्चित रूप से आत्महत्या की है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अगला जो मत है उसके अनुसार यदि कुंडली में लग्न में बुध हो तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में वणिक पुत्र था और अनेकों क्लेश उसके जीवन में थे। उसके बाद अगला जो मत है 6, 7 और 10वें भाव में यदि मंगल उपस्थित है तो इससे स्पष्ट होता है कि जातक पूर्व जन्म में क्रोधी स्वभाव का था, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उसके बाद अगला जो मत है गुरु शुभ ग्रहों से एस्पेक्टेड हो, यानी दृष्ट हो, या पंचम और नवम भाव में हो, तो व्यक्ति पूर्व जन्म में निश्चित ही सन्यासी रहा होगा, ऐसा माना गया है। उसके बाद कुंडली के 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु, 12वें में शुक्र इस बात के सूचक हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में धार्मिक प्रवृत्ति का था और लोगों की मदद करने वाला उत्तम व्यक्ति माना गया है। तो ये थी कुछ
पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म की चीज़ें, और अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर लाइफ के बारे में, यानी आपकी जो फ्यूचर अभी जैसे आपका वर्तमान चल रहा है, के बाद जब आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, यानी आप कहाँ जाओगे, आपका कौन सा जीवन आपको मिलने वाला है या कैसा जीवन आपको मिलने वाला। तो फ्यूचर लाइफ के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कुंडली में कहीं पर भी अगर कर्क राशि में गुरु स्थित हो तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है। पहला ये बताया गया है कि यदि कर्क राशि में गुरु कहीं भी कुंडली में कहीं भी स्थित हो तो मृत्यु के बाद जो है उत्तम कुल में व्यक्ति का जन्म होता है। उसके बाद जो दूसरा मत इसमें बताया गया है, लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो और वो पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है। तीसरा जो मत दिया गया है, आठवें भाव में स्थित राहु जातक को पुण्य आत्मा बनाता है और मृत्यु के बाद वह वैश्य कुल में जन्म लेता है। उसके बाद जो अगला मत है वो है, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, लग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो तो जातक नरक भोगता है। उसके बाद अगला जो मत है उसमें, आठवें में स्थित शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेगा, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अष्टम भाव पर मंगल और शनि दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला मत है वो है, लग्न में गुरु चंद्र, चतुर्थ भाव में तुला राशि का शनि और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो, यानी लग्न में गुरु चंद्र, चतुर्थ भाव में तुला राशि का शनि और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो जातक अपने जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन होता है, उसे मोक्ष मिलता है। उसके बाद अगला अगर मत हम देखें तो, लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो या अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो जातक अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य करता है। उसके बाद जो अगला मत दिया गया है, आठवें भाव को शनि देख रहा हो, अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अगला जो मत है इसमें, यदि जन्म कुंडली में कोई भी चार ग्रह उच्च के हों तो जातक निश्चित ही श्रेष्ठ मृत्यु का वरण करता है, यानी चार ग्रह उच्च राशि के होने चाहिए। उसके बाद जो अंतिम मत फ्यूचर के बारे में जो दिया गया है, ग्यारहवें भाव में सूर्य और बुध हों, ग्यारहवें भाव में सूर्य और बुध हों, नवम भाव में शनि, अष्टम भाव में राहु हो तो जातक मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, यानी मृत्यु के बाद मोक्ष उसको मिलता है जब ग्यारहवें भाव में सूर्य बुध हों, नवम भाव में शनि हो और अष्टम भाव में राहु हो तब। तो ये कुछ मत थे इसके बारे में, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।